जोहार नमस्कार। और जेबीकेएसएस का जो महाधिवेशन राज्य स्तरीय कल जो होने वाला है, अब वो 15 घंटे से समय बच गए हैं और तैयारी को लेकर जो कहें तो एकदम अंतिम चरण पे है और बहुत जोरों पर है। अभी मोतीलाल महतो जी पहुंचे हैं और सामने देखिए वहाँ टाइगर जयराम महतो जी और पूरे टीम जो है अभी बैठक कर रहे हैं और सबको एक टीम वर्क दे रहे हैं, दिशा निर्देश दे रहे हैं कि कैसे कहां पर किसको क्या काम करना है। और हमारे बीच यहां पर मोतीलाल महतो जी है जो सक्रिय आंदोलनकारी छात्र हैं और जानते हैं कि क्या इन लोगों का तैयारी है और किस तरह से चल रहा है। अब तो बहुत कम समय बचा है, 15 घंटा का ही समय बचा है। काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है तो सभी को एक बार ये सूचना दे देंगे कि कल 18 जून बलियापुर, जो एके राय की धरती है, जो विनोद बाबू की धरती है, जो विनोद बाबू की माटी है, एके राय की माटी है, इन ये दो पुरोधा की माटी है जिन्होंने झारखंड आंदोलन की जो रूपरेखा जो खींची थी और जाके झारखंड। हमारे कैमरामैन को थोड़ा सा रोकेंगे कि आप दिखाइए कि बैठक किस तरह से हो रहा है और हम मोतीलाल जी को भी कहेंगे थोड़ा सा और सामने गुजरेंगे और दिखाइए और कैमरामैन से कहेंगे राहुल जी आप पूरे दृश्य को दिखाए कि कौन कौन लोग बैठक में शामिल है। और मोतीलाल जी लगभग आप कपड़ा लगाने का भी काम हो ही गया, तिरपाल लग ही गया है और पंखा लगाने का भी काम हो रहा है और मौसम भी देख रहे बहुत सुंदर है। हाँ, मौसम तो बहुत सुहाना है, हमें उम्मीद है कि कल 18 तारीख है और कल मानसून प्रवेश करने वाली झारखंड में। अभी हल्का बारिश भी हुआ, हल्का बारिश हुआ है तो कल मानसून प्रवेश कर रही, तो एक बहुत शुभ संकेत है। शुभ संकेत ये है कि कल मौसम प्रवेश करेगा तो 43-42 डिग्री का जो टेम्परेचर था वो कम पड़ेगा, तो हमारे जो दूर दराज से आएंगे जैसे कोल्हान से, लातेहार से, पलामू प्रमंडल से, संथाल परगना, जो सारे देखिए अब देखिए जयराम जी संबोधन करेंगे सभी जो अपने कार्यकर्ता है। और देखिए चल जाए माइक पर तो अलग राज्य जैसा लेकिन हमें राज्य में अधिकार नहीं मिला है, धरती से अपन शुरुआत कर रही है। और मोटा मोटी अगर समय भी देखें तो लगभग 50 साल भाई गए ना, एकदम पक्का गैन के 50 साल 1972-73 में गठन भेल तमाम समाज विभिन्न विभिन्न संगठन के मिलाई के और झारखंड के और लड़ाई के तेज कर गेल आज मोटा मोटी 23 जनगण के 50 साल भे गए। और प्रत्येक 50 साल में कुछ एक ऐसा घटना घटा है जकर से कि जनमानस के बीच बदलाव आव है, तो हमनी मोटा मोटी सभी ने साक्षी भी बने जा रहा उस इतिहास के। एक से पहले जब भी हमने कोई किताब में पढ़ा हला तो भारत की आजादी के कहानी सुना हला, झारखंड राज्य अलग कैसे भले ओकर कहानी सुना हला और मन मन में ऐटो सोचा हला कि कहां से हम उस टाइम रहतलिए, अफसोस भी रहा हल कि काश हम उस टाइम रहते लिए, तो अफसोस करे के आवश्यकता ना है। आज हमनी के फिर से मौका मिला है कि हमनी भी अपन योगदान दे सकलिए। हमने निर्मल दक्ष साथ नहीं रह पा ली, कोई बात नहीं, विनोद बाबू के समय नहीं रह पा ली, कोई बात नहीं, लेकिन इस समय हमने बीच आए कि हमने उस तरह से अपन राज्य खातिर अपन लोग खातिर हमने योगदान दे सकलिए। तो सबसे पहला बात आज हमने कोई भाषण दिए उद्देश्य से ना लियो, आज हटे मैंने रिक्वेस्ट और आग्रह कि कायल कैसे करना है। सबसे पहला बात स्थानीय जहाँ कार्यक्रम भे रहा तो उन्हीं का जिम्मेवारी बहुत ज्यादा रहा। आज एक बात हमेशा देख लिया अनुशासन में रहिया और खासकर इटा तो मोटा मोटी हमने देखिया कि हमने समाज में थोड़ा सा हल्का सा समस्या हो कि कोई भी काम रहो तो हमने थोड़ा सा ड्रिंकिंग बहुत ज्यादा कर रहा, तो कोशिश करिया कायल ऐसा ई खातिर ना चाहे कि देख हमने बेशक यहाँ धनबादी बैसा ला मैंने बलियापुर बैसा ला लेकिन नजर कहाँ तक पता कि नहीं सऊदी अरब, दिल्ली तो छोड़े दी, सऊदी अरब, ओमान, सेनेगल, मॉरिशस, फ्रांस, जर्मनी, माने कम से कम 20 गो कंट्री कर जहां हमने मजदूर रहो अपनी थोड़ा देख रहा लो, यानी सोच सकल है कि एक जने फोन कर लो कि हम 27 साल से अबुधाबी में अपन झारखंड छोड़ लोग 27 साल भे गए एगो जुग भे गए, वो आदमी तौर पर एगो आसरा लागल है कि अगर ये सब कुछ अच्छा करता है तो 27 साल बाद हमें वतन अपन वापस लौट पे, आखिर वतन के लिए वापस लौट जब यहाँ कुछ अच्छा माहौल बनते। तो शेखा त्रिटा इस बात से ना लिया कि हमने केवल बलियापुर के माटी में कार्यक्रम भे रहा लो, हमने एक नजर बहुत दूर तक हो और मैंने ऐसा ऐसा लोग दुखित शोषित वंचित लोग तोर से उम्मीद लगा के बैठा लो तो हमने के प्रयास करना चाहिए, हमने कोई मसीहा नहीं लगे जो कह देवे कि तोरा दर्द से मुक्ति दिया देवो, लेकिन हमने प्रयास कर सकलिए और प्रयास से लगे कि आज मैंने बहुत कुछ कुछ तो बदलाव अले, तो से खातिर प्रयास के अनुशासन में रहेगा। और कहले गए कि कार्यकर्ता के 3 गो लक्षण रहे, माथा में बर्फ होना चाहिए, जुबा में शक्कर होना चाहिए, पांव में चक्कर।